महासमुंद में धान खरीद जारी है। किसान साल भर की मेहनत की समितियों में अब बेच रहे हैं और लेकिन किसानों को बेचे गए धान का पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले महीने से धान खरीद जारी है। खरीद केंद्रों में रजिस्टर्ड किसान धान बेचने पहुंच रहे हैं। महासमुंद में बारिश के साथ ही वक्त पर भुगतान नहीं होने से किसान खासे परेशान हैं। किसानों का कहना है कि धान बेचने के 15 दिन बाद भी भुगतान नहीं हुआ, जबकि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 3 से 4 दिन में राशि मिल जाती है। परेशान किसानों का कहना है कि वो कई दिनों से बैंक के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन बैंक वाले सॉफ्टवेयर स्लो होने का बहाना बना रहे हैं। धान बेचे 17 तारीख को, 17/12/2021 को, लेकिन कई बार संपर्क किए तो बोलते आ जाएगा ऐसा करके बोलते रहे। फिर मैं कल संपर्क किया यहाँ करके भी तो बोलते हैं कि वो सॉफ्टवेयर में फंस गया पैसा। मैं बोला भाई सॉफ्टवेयर में फंसा है तो उसको कोई निकालने वाला तो होगा क्या? तो बोले कब तक आएगा, कब तक कैसे निकलेगा उसको कोई नहीं बता सकते, ऐसा बोलते हैं लोग। अभी हम लोग 17 तारीख का धान जो बेचे हैं उसका पेमेंट नहीं आया, बाकी 24-25 तारीख तक क्या गया है? दिक्कत जाते हो वो बोले हैं तकनीकी खराब की वजह से नहीं आ रहे हैं, 2-4 दिन में आ जाएगा करके बोले हैं। कल हम जो पूछे थे आना जाना है, है? काम अटका पैसा नहीं मिला, पैसा बिना तो अभी लुवाई की नहीं देवा है, मिंजाई की नहीं देवा है, अभी ट्रैक्टर चला से तेकर नहीं देवा है, है? बार बार आ। महासमुंद में 152 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। अभी तक 108,724 किसानों ने 452,682 लाख क्विंटल धान बेचा है। वहीं समिति प्रबंधकों का कहना है कि 8, 9, 11, 15 और 17 दिसंबर को धान बेचने वाले अधिकतर किसानों के खाते में राशि पहुंच गई है। कुछ किसानों ने शिकायत की है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। 5-6 किसान आए हैं सर मेरे पास शिकायत लिए लेकर के कि तारीख 11 को, 15 को और 17 वाले अभी तक पैसा नहीं मिला है करके। कुछ अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी पूछा गया तो वो भी बताए कि मतलब कुछ तकनीकी खराबी के कारण उनको भुगतान नहीं हो पाया है, उनके सुधार किया जा रहा है और अतिशीघ्र 3-4 रोज के अंतर्गत इनका सुधार किया जा करके। अभी भी कई क्विंटल धान सोसाइटियों में पड़ा है जिसका रखरखाव ठीक से नहीं होने से धान भीग कर बर्बाद हो रहा है। ऊपर से बेचे हुए धान की राशि नहीं मिलना किसानों की परेशानी बढ़ा रहा है, लेकिन किसानों को पैसा कब तक मिलेगा इसका जवाब समितियों के पास नहीं है, जिसकी वजह से किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महासमुंद से आशुतोष तिवारी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।